परिचय देना होगा, लेकिन उसके लिए मैं बताया मेरे पास शब्द नहीं थे, केवल दो लाइन और थोक में। सुनकर कर दे कोई अनसुना, मैं अपने स्पीकर के लिए बोल रहा हूं, चारों जन के लिए, कर दे सुनकर कर दे कोई अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं। सुनकर सुनकर कर दे कोई अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ए, सूरज से दमकते हैं ए, किसी परिचय के मोहताज नहीं। बच्ची का वेलकम करने के लिए मैं रेशमा से और दीपांजलि जी को मैं बुलाना चाहूंगा। तालियां होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए रेशमा से दीपांजलि प्रजापति। तालियां कमजोर पड़ रही है, इस ताली से कैसे मीटिंग होगी। तालियां जोरदार होनी चाहिए। तो बताइए इस ताली पे मीटिंग हो सकती है, मुझे लग रहा है कि माइक करके मुझे ही ताली बजानी चाहिए। मैं इब्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और अपने प्रेजेंटेशन को वापस एक जोरदार ताली बजा के बेटी को शुरू करवा दीजिए। आपको बहुत खुशी हो रही है, आपको कैसे लग रहा है? सबने खाना खा लिया है ना? Yes. सब तैयारी की नींद आ रही है। ठीक है, तो 8 मार्च को महिला दिवस होता है। ये पूरा मार्च महीना हम महिलाओं के बारे में ही बात करेंगे, आप लोगों के बारे में बात करेंगे। आपको कुछ डाउट्स हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं हूँ इब्रत सिद्दीकी और मैं एक डाइटिशियन हूँ, और आज हम बात करेंगे महिलाओं के हेल्थ के बारे में। क्यों? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा नजरअंदाज अगर किसी चीज को करती हैं तो वो है उनकी खुद की सेहत। सही बात है कि नहीं? जबकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, चाहे हम किसी भी मोड़ पे हो अपनी लाइफ के। क्योंकि अगर हम अपनी हेल्थ पे खुद ध्यान नहीं देंगे तो हमारा घर कौन चलाएगा, कैसे चलेगा? अगर एक महिला, अगर हमारी जो माता है, मम्मी है, अगर जो भी हमारे घर पे है, जो मेन हस्ती है, भले वो कमाती नहीं, भले वो घर पे रहती है, लेकिन अगर वो बिस्तर पे पड़ गई तो पूरा घर रुक जाता है। सही बात है कि नहीं? आप लोग अग्री करेंगे कि नहीं इस पर? आज के दिन हम सिर्फ इसी टॉपिक पे फोकस करेंगे कि कैसे हमें अपनी सेहत खुद से बनानी है, तब जाके फिर हम हमारी फैमिली को चला पाएंगे। और डीएक्सएल में तो आप देख ही रहे हैं, अब तो इतने प्रोडक्ट्स आ गए, A to Z सब कुछ है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे डेली जिंदगी में, हमारे कैसे थोड़ा बहुत
इम्प्रूव करने की उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आजकल की सारी महिलाएं ही काम करती है, फुल टाइम जॉब करती है, अपना घर भी संभालती है। सल्यूट है उन लोगों को जो सुबह से शाम बस लगी रहती है ऑफिस का काम, फिर अपने घर का काम, और वो खुद क्या खाती पीती है उसका उसे खुद होश नहीं होता कि कब खा रही है, किस समय पे खा रही है, क्या खा रही है। सही बात है कि नहीं? तो इसके चलते क्या होता है कि पहले तो हम अपना समय जो है सुबह से शाम की जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी का समय है, हमें उसे मैनेज करने में दिक्कत आती है कि हम उठते हैं सुबह सुबह, पूरे घर का काम, अपने बच्चों का काम सब करते हैं, फिर निकलते हैं अपने खुद के काम पे, फिर वहां पे जो मिला वो खा लिया, जैसे तैसे काम खत्म किया, घर आए वापस, दूसरे दिन की तैयारी, फिर सो गए। तो इस चक्कर में ये जो दिन पे दिन निकलता चला जा रहा है, हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम धीरे धीरे देखते हैं कि साल दो साल हमारा वजन बढ़ता चला जा रहा है। तो वेट मैनेजमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें निर्भर करती हैं। एक बार आपका वजन धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया और आप उसे नहीं कंट्रोल में ला पाए, तो आगे जाके बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसी वजन के कारण, और फिर स्ट्रेस, थकान, थके रहना, पूरा पूरा दिन हमें नींद आती है, हमें थकावट महसूस होती है, हमें बात करने का मन नहीं करता, हमें कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो डेली न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, दिन भर में जितना हमारी बॉडी को मिलना चाहिए मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, हम नहीं दे पाते, और उसी कारण हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि भाई आप अब थक रहे हो, आपका माइंड थक रहा है, आपको बार बार नींद आ रही है। आप सुबह उठते हो तो आपको टायर्ड फील होता है, होता है कि नहीं, कि भाई सुबह उठी और मुझे लग रहा है मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई आज, मुझे अभी से ही थकान है। तो ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स है जो अपनी बॉडी हमें क्यों देती है कि अब ये ध्यान में देना है कि आप न्यूट्रिशन बराबर नहीं ले रहे, ये एक कांस्टेंट सिग्नल होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि डीएक्सएम के प्रोडक्ट्स जो है वो हर एक चीज में हेल्प करेंगे, जो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है जो हम बैठ के हो सकता है रोज नहीं बना पाते, नहीं खा पाते, अपने बच्चों को नहीं दे पाते, तो वो हम ऑन द गो स्पाइरुलिना से, ओरेंजी से, ये सारी चीजें अगर हम डेली अपने डोसेज रखेंगे कि हाँ हमने सेट कर दिया है कि मैं सुबह उठ के ये वाला प्रोडक्ट खाऊंगी, आज ही जल सुबह खा रही हूँ मैं, फिर ब्रेकफास्ट के बाद स्पाइरुलिना खा रही हूँ, फिर ऑफिस के लिए जाने से पहले थोड़ा ओरेंजी पी लिया, तो ये सारी चीजें ये इंश्योर करेंगी कि आपके जो मिनरल्स है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीजें जो डेली मिलनी चाहिए वो मिल रही है आपको। और अभी अभी जो न्यूली लॉन्च हुआ है कम्बुचा, ये एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन फॉर्मूला है, क्योंकि कभी कभी ना बहुत सारे इंडियन डाइट्स में, मतलब हमारा जो खाना है उसमें हम एसिडिक हमारी बॉडी को बहुत जल्दी कर लेते हैं, हमें पसंद है चटपटा, मसाला, तेल, अच्छा तैरता हुआ, तो ये जो हम खाते हैं तो इसके बाद होता है डाइजेशन प्रॉब्लम, हम डेफिकेट नहीं करते हैं प्रॉपरली, फिर उससे बनती है एसिडिटी, ब्लोटिंग होता है पेट में। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, क्या पीते हैं, थम्स अप, स्प्राइट, सोडा, क्यों? क्योंकि टकार आएगी, अच्छा लगेगा, है ना? तो अभी उसके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव डीएसएन में लॉन्च हुआ है कम्बुचा। ये आप एक बॉटल अगर लेते हैं तो आपको ये सारी जो एसिडिटी की इशू है, स्पेशली जो आपका डाइजेशन खराब चल रहा था, वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है, और जो सोडा के साइड इफेक्ट है वो भी नहीं है इसमें। तो आप ये इजीली प्रमोट भी कर सकते हैं, और खुद भी एक बार ट्राई करके देखिएगा कि जब मन करता है सोडा वगैरह पीने का तो एक बार ये पी के देखिएगा, ये जरूर काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। अब आते हैं दूसरे फेज पे, औरत की लाइफ में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है, मदरहुड, करेक्ट? आजकल हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि हमारे जो शरीर है उसमें हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, पीसीओएस होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो वो या तो प्रीटर्म हो जाता है, मतलब बहुत पहले बॉर्न हो जाता है, उसको भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो ये जो हेरिडिटी है, जो हमारी जेनेटिक्स है, इसको भी इम्प्रूव करने में डीएक्सएन आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम प्लान भी कर रहे हैं कि हाँ हमें एक हेल्दी बेबी डिलीवर करना है या
हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो भी आपका वजन बराबर होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्री डिस्पोज हो डायबिटीज को, अगर आपके फैमिली में चलता आ रहा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों में भी आएगा। तो हमें नहीं चाहिए ना कि हम भी जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो हमारे बच्चे भी खाएं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जो आ रहा है उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, उस जेनेटिक को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास वैसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो क्यों ना इसको हम अभी से शुरू करें ताकि हमारा जो है इम्यूनिटी बढ़े, हमारी बॉडी में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ये RGGL स्कैन करके ठीक कर दें और तब जाके ही हम एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग को जन्म दें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आज हर किसी को अगर आप देखोगे ना तो हर कोई ट्राई कर रहा है और लाखों रुपये खर्च कर रहा है, लाखों रुपये लगते हैं इस ट्रीटमेंट में कि मतलब बच्चा हो नहीं रहा है। और फिर हम ये अलग अलग चीजें IVF है, ये है, वो है, अगर आपने देखा होगा कि इसका कॉस्ट कितना होता है, तो उससे तो बेटर है कि आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा ध्यान दें इस चीज पे कि हाँ अगर कहीं बेली फैट है, बेली फैट आजकल बहुत नॉर्मल होता है क्योंकि हम बैठे रहते हैं पूरे दिन, पेट बाहर आता ही है, हर किसी का आता है। तो अभी ये जो है ना ये बेली फैट, ये यहाँ की जो चर्बी हमारी जमा होती है ना ये मेनली इफेक्ट करती है पैनक्रियास पे, लिवर पे, और तभी जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस होना चालू होता है। जहाँ ये हुआ ना हमें ये मेक श्योर करना ही है कि मैं मेरी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाऊँ, मतलब मैं थोड़ा तो चलूँ फिरूँ पूरे दिन में, एटलीस्ट 15 मिनट आधा घंटा एक वॉक लेकर आ जाओ बाहर जाके, और कोशिश करो कि इससे कम करना ही है हमें कैसे भी करके। क्यों? क्योंकि फिर आगे जाके हमें क्यों हमारे ऑफस्प्रिंग्स को वो सारी बीमारियाँ देनी है, सही बात है कि नहीं? तो भी जब ये फेज है बॉडी का तो सबसे एक्सीलेंट फूड जो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट में है DXL के RGGL। अगर आपको चाय पीने की शौकीन हो, आप कॉफी पीने के शौकीन हो तो आप DXL की कॉफीज पियो, आपको उसके थ्रू भी कैनाडा मिल जाएगा, सही बात है। तो ये एक देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हेल्प करते हैं पर जो बेस है अपना वो ये है। फिर पोस्टमार्टम जो होता है कि हम देखते हैं कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी में भी इशू आते हैं, बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि मैं ऑपरेशन प्रिफर करते हैं आजकल लोग, क्यों? क्योंकि वो पेन नहीं सहना है। पर एज अ डाइटिशियन मैं बताती हूँ कि हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं कि जो ऑपरेशन इंटेंशनली मतलब खुद से लेके करते हैं ना उनको आगे जाके बहुत दिक्कत आती है, उस वक्त के थोड़े पेन को से बचने के लिए अगर हम ऑपरेशन कर लेते हैं ना तो पूरी जिंदगी पर एक पाउच पहली जैसा लटकता है पेट हमारा, और फिर उसको घटाना बहुत मुश्किल होता है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जितना हो सके कोशिश करना है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, और वो कब होगी? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, जब हमारा BP नॉर्मल है, हमारी शुगर लेवल नॉर्मल चल रही 9 महीने के लिए, हमारे सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम सब बराबर है बॉडी में, और वो कब होगा? जब हम ये न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेंगे। और फिर उसके बाद जो बेली फैट होता है उसको घटाने में भी बहुत सारे DXL के प्रोडक्ट्स काम करते हैं, जैसे हमारा स्पिरुलिना है। और फिर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि आजकल ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज है कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन हो ही नहीं है, बच्चे को जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशन, मेन जो न्यूट्रिशन उसकी मम्मी के दूध से मिलना चाहिए वो उसको मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारे में मतलब हमारी बॉडी में ही वो कमी थी, उस अगर उसको बेबी को यही स्टेज पे ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी तो वो कितना कमजोर पैदा होगा, वो हर साल कोई ना कोई बीमारी उसको लगती रहेगी, कोई ना कोई दवा लगाते रहेंगे। तो यही फेस पे अगर हम खुद को ही कंट्रोल कर लें, खुद को मजबूत बना लें, खुद को देखें कि नहीं मेरा इतना डाइट जाना चाहिए, मुझे इतना वेट पे खुद को मेंटेन रखना है, मैं इतनी एक्सरसाइज तो रोज करूंगी ही। तो देखो बोलने में बहुत आसान है, मैं भी समझ सकती हूँ, वॉकिंग वुमेन है, सुबह दिन से रात कब होता है पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा शुरुआत करेंगे, 10 मिनट से शुरू करेंगे, धीरे धीरे 20 मिनट करेंगे, आधा घंटा करेंगे, जरूर टाइम मिलेगा इस चीज के लिए, क्योंकि हम TV देखने का तो टाइम निकालते हैं ना, हम थोड़ा बहुत इधर उधर गॉसिप करने का टाइम निकाल लेते हैं, मोबाइल 10 मिनट 20 मिनट चलाने का टाइम निकाल लेते हैं, तो चलते चलते चलाइए मोबाइल, है ना। अब जब पोस्टमार्टम हेल्थ होता है उसमें कोकोनट ऑयल है हमारा, वो भी बहुत वंडरफुल है, एक टीस्पून कोकोनट ऑयल सुबह उठ के खाली पेट ले लीजिए या फिर उसका सिर्फ खुला करके गार्गल जिसको
बॉलीवुड के फिर सोते हैं, फिर ही नींद आती है। तो ये भी एक ट्रिक ट्राई करना और कोको सी भी ट्राई करना, एक कप गर्म मिल्क में या फिर पानी में कोको सी पी के ट्राई करना, बहुत अच्छी नींद आती है। और उस कोको सी में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, वो सब भी मिल जाता है। ये आप अपने बच्चों के साथ ही कर सकते हैं। फिर RGGL है, रोशन जूसेस, स्पाइरुलिना है, ये सारी चीजें भी पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद स्पेशली फीमेल्स की बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स बनना है, जो मिल्क प्रोडक्शन बनना है, उसमें भी हेल्प करते हैं। अभी फिर और एक फेज आता है आगे जाके, जहां पे पीरियड्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं, मेनोपॉज जिसको बोलते हैं, जो 40s 50s में शुरू होता है, वो भी एक अलग अपने तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, मूड इश्यूज होते हैं उसमें, कभी भी मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, रातों को अचानक से बहुत गर्मी लगती है, हॉट फ्लैशेस बोलते हैं उसको, और आंख खुल जाती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैल्शियम लॉस, जोड़ों में पेन होता है हमारे, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, हड्डियों की तकलीफ, ये उसी फेज पे आती है महिलाओं में। और दूसरा साथ ही साथ वजन भी बढ़ता है, एक बार वो रुक गया, मेनोपॉज हो गया, उसके बाद वजन भी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आप ध्यान अगर नहीं रहेंगे ना अपने वजन पे, आप देखेंगे हर हर दो दो तीन तीन महीने में मेरा दो दो तीन तीन किलो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो बोलना है ना, ये यही बोलना है मुझे कि हर फेज पे हमारी बॉडी से ही अलग अलग फेजेस होंगे, अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, और हमें मेनली अपने इस चीज पे, अपनी बॉडी पे, अपने वेट पे ध्यान देना है अपने घर को संभालते हुए, ठीक है। कितनी महिलाओं को मैंने देखा है, वो लोग मतलब अपने खाने पे ध्यान नहीं देते, अपने बच्चों का खाना बना दिया, उनको टिफिन भेज दिया, अपने हस्बैंड को खाना दे दिया, उनको ऑफिस भेज दिया, आप क्या खाओगे देख लेंगे, चाय बटर जो भी है, ये चीज लंच डिनर में खा रही है महिलाएं, कैसे चलेगा फिर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे DXL प्रोडक्ट्स के थ्रू, ठीक है। समझ में आता है आपके पास टाइम नहीं है बनाने का, तो आप सीरियल है, DXL का सीरियल है, रोज सुबह एक बाउल सीरियल लीजिए, एक दिन स्पाइरुलिना का लो, एक दिन कॉर्डिसेप्स का लो, आपको अगर बीच में कभी शाम में बहुत जोर से भूख लग जाती है, घर में कुछ खाने को नहीं है, कुकीज रखो सामने, कुकीज खाओ, है ना, कोको सी बनाओ दूध में पी लो, पेट भर जाता है एक ग्लास दूध में। फिर ये ऋषि कैनोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी एसिडिटी की शिकार है, जितनी भी महिलाएं जिनको भी लगता है कि मुझे एसिडिक है मेरा बॉडी, मेरे को हर रात एसिडिटी होती ही है, मेरे को मोशन बराबर नहीं है, मेरे मैं गैस पास नहीं कर रही हूँ, मेरे को रात में नींद नहीं आ रहा, तो ये एल्कलाइन टी है हमारी ऋषि कैनोटी, इसको बनाइए पानी में और पूरा दिन इस पानी को सिप सिप करके पियो, आपकी बॉडी एल्कलाइन रहेगी, पूरा दिन एल्कलाइन रहेगी। और ये तो मेरे ख्याल से इसकी MRP बहुत अफोर्डेबल है, एक बार RGGL खरीदने से पहले हम सोचते हैं ये तो अफोर्डेबल चीज है, ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है DXL का, ये हम आराम से रोज पी सकते हैं, सही बात है कि नहीं। अभी वुमेन्स हेल्थ तो हो गया, ये तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ही, पर एक और इम्पोर्टेंट चीज पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी, जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। 2023 में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया ऑटोमेटिक मोड पे जा रही है, ठीक है। AI बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें अपना लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम घर में खड़े रह के अपना पूरा दिन का खाना बनाते बैठे, ठीक है। सुपर एक्टिव हो गए हैं हम, तो हमें सुपर एक्टिव फूड्स की, सुपर फूड्स की जरूरत पड़ेगी इस लाइफस्टाइल में सर्वाइव करने के लिए, जो आज का हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, ठीक है, जिसमें हर मिनट हमारा कीमती है। तो इस कीमती लाइफस्टाइल में कौन सर्वाइव कर सकता है, जिसके पास एक पावरफुल बॉडी है, जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी सबसे अच्छी है। आजकल आप मुंबई में देखोगे वायरल चल रहा है, हर दूसरा आदमी छींक रहा है, खांस रहा है, ठीक है। ऐसे बीच बीच में अगर हम बीमार गिरते रहेंगे तो कैसे चलेगा हमारा ऑफिस में, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, अगर आपका कोई बॉस है, तो आप कितनी बार उस बॉस को बोलोगे कि मुझे छुट्टी दो, आज मैं बीमार हूँ, दो दिन बाद मेरी मम्मी बीमार है, तीन दिन बाद मेरा बच्चा बीमार है, नहीं मिलती है, राइट। फिर बिना छुट्टी के आप काम करते रहो, ओवर एक्सर्शन होता है, स्ट्रेस होता है, फिर ऐसे इग्नोर करते करते बड़ी बीमारी लगती है, तब सोचते हैं हम कि अरे अब हेल्थ पे ध्यान देना है। तो उससे पहले आपकी डाइट को मजबूत बनाना आपके ही हाथ में, आप ही घर में किचन चलाते हैं, आप ही चला सकते हैं सब कुछ। अगर आप खुद चाहें कि नहीं खाऊंगी मैं मैदे वाली चीजें, नहीं बनाऊंगी मैं फ्राइड चीजें, घर में नहीं बनेंगी, सही बात है कि नहीं। और अगर कभी मन कर जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ना हम भी सेट है, हमने कभी कोई अनहेल्दी चीज नहीं खाई, नहीं मन करता है खाने का, तो उसको हम थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे, मतलब
हफ्ते में एक बार खा लो थोड़ा सा, कि आपका जो मन है वो भी भर गया, साथ साथ आपने अपने वजन में भी ध्यान दे दिया। तो बोलने का मतलब ये है कि जब ये सारी चीजें चल रही है तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अपने हाथ में है, इनफैक्ट अपनी फैमिली की इम्यूनिटी भी अपने हाथ में है, क्योंकि हम जो खाना बना रहे वही ये लोग खा रहे हैं, करेक्ट। तो जो डेली एसेंशियल न्यूट्रिशन है डीएक्सएम के थ्रू, जो इजिली आप घर बैठे खा सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, वो सारी चीजों को अपने घर में सामने रखिए। चिप्स और ये सारी अनहेल्दी चीजों को हटा दीजिए और इसको टेबल पे रखिए, ठीक है, तभी जाके दिखेगा, तभी जाके खाएंगे। ऑन द गो बेवरेजेस है, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, गर्मी में हमारे बच्चों को चाहिए कि हम ना आइसक्रीम खाएं और हम गोला खाएं और हम ये आइस थम्स अप है, स्प्राइट है, पेप्सी है, उसकी जगह पे हम ये सारी चीजें ले सकते हैं। हम अच्छे से लेमन जी का एक ड्रिंक बना के फ्रिज में रख सकते हैं, उनको ठंडा ठंडा वो ड्रिंक दे सकते हैं, है ना। फिर कोको सीरप का मोचा है, रोशेल है, तो ये सारे ऑन द गो बेवरेजेस है जो आप अपने बैग में डाल लो निकलने से पहले, रास्ते में कभी भी भूख प्यास लग रही तो ये सारी चीजों को मंचिंग करो, ठीक है। वो लेस हो पी वो देने से अच्छा ये है, आपके लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। फिर ऑफकोर्स दिखना भी अच्छा है सबको, सेल्फ केयर, स्किन केयर ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसके भी प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो गए हैं, बैम्बू टूथब्रश है, लिली हेयर ऑयल है। लिली हेयर ऑयल का तो मेरा खुद का एक टेस्टिमोनियल है कि मेरी भी हेयर ग्रोथ लिली हेयर ऑयल से, मतलब जो हेयर लाइन होती है ना कि हेयर लाइन पीछे चली जाती है, नए नए बाल उगना भी शुरू होते हैं और वो लिली हेयर ऑयल के थ्रू मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे हो रहे हैं। तो क्योंकि आफ्टर पॉइंट क्या होता है ना, लेडीज के डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ते भी हैं, तो उस वक्त आप ये स्टार्ट करिए यूज़ करने को, इनफैक्ट पहले से करिए। तो जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी में आने वाले ही हैं साइड इफ़ेक्ट्स, इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने वाले ही हैं, तो उसमें हेल्प करेगा। अभी मैंने हिजाब पहना हुआ है वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती कि आगे से सच में मेरे हेयर ग्रोथ हो रहे हैं और मैं इतनी खुश हुई इनके लाइफ में। कभी क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ा पीछे से था मेरा हेयर लाइन और वो उग रहे हैं अब मेरे बाल। और जो गैनोजी डर्मा का शैम्पू है ये भी बहुत इफेक्टिव है इन सारी चीज़ों में, एंड गैनोजी सोप और ये सारी चीज़ों